तो दोस्तों आज मैं आपको अपने सेटअप की अपडेट देने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं जोधपुर का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है। तो चलिए अपने केज के अंदर आपको अपने सारे बर्ड्स की अपडेट देते हैं। और ये हमारा पहला पैर है जिसमें मैंने चारकोल का मेल और ल्यूटून और रेड आई की फीमेल है, जिसने अभी अंडे दे रखे हैं और वो अंडों पर बैठे हैं दोनों मेल फीमेल अंदर, आप देख सकते हैं। और ये अपनी हमारी बजीज है और बजीज ने भी सब बजीज अंडे दे रखे हैं, तो इनको भी मैं आपको अंदर लेता कि इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको जरूर दिखाऊंगा। और ये हमारा सबसे पुराना कॉकटेल का पैर है, इसने पहले कुछ ब्रीडिंग करी थी जिसमें सक्सेसफुल नहीं हुए थे, पर इस बार इन्होंने 7 अंडे दिए थे जिसमें से 5 बच्चे इन्होंने निकाले और उन्होंने थोड़े बड़े भी करे थे, पर कुछ कारणों की वजह से वो बच्चे बड़े होने के बाद मर गए। जो 4 बच्चे मर गए थे और एक बच्चा नीचे भी मेरे पास हैंड फीडिंग पे है, जो मैं आपको थोड़े दिनों में दिखाऊंगा। और ये हमारा एक नया पैर है जिसमें एल्बिनो हैवी पाइड के ये मेल फीमेल है और ये भी नया नया हमने लगाया है, तो इन्होंने अभी ब्रीडिंग नहीं करी है। और ये भी आपने पहला पैर देख रखा होगा, ये हमारा एक पुराना पैर है, इसने भी अभी तक ब्रीडिंग नहीं करी है। और ये वाइट फेस का मेल और पर्ल की फीमेल है और इनको हमने बॉक्स दे रखा है, पर इन्होंने अभी तक ब्रीडिंग करी नहीं है, तो हम इनकी ब्रीडिंग के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए बजीज के केज के अंदर चल के आपको इनकी ब्रीडिंग ज़रूर दिखाते हैं हम। और सुबह सुबह मैंने सारे बर्ड्स को सॉफ्ट फूड डाल दिया था और इनके पानी भी चेंज कर दिया था। तो चलिए अब बर्ड्स की मटकियाँ देखते हैं, तो आपको ज़रूर बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए इस मटकी में कुछ बच्चे हैं और बाकी सारी मटकियों में कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हमने मटके लगाए हुए तकरीबन 20 से 25 दिन हो चुके हैं और काफ़ी बजीज ने अंडे दे रखे थे और काफ़ी बजीज का आप देख सकते हैं बच्चे निकल चुके हैं और बजीज काफ़ी अच्छे से इनको फीड करा रही है। और ये वाला केज में अभी तक हमारी ये पहली ब्रीडिंग होगी जो सक्सेसफुल होगी, इससे पहले अभी तक इस बड़े केज में हमको सक्सेसफुल ब्रीडिंग नहीं मिली है। आपको पता होगा कि हमने ये केज अभी थोड़े टाइम पहले ही बनवाया है, इसके पहले मैं बजीज को थोड़े छोटे केज में रखता था और इसमें हमने अभी नया ये सेटअप लगाया है जिसमें हमने 40 पैर बजीज को छोड़ा है। इससे पहले मेरे पास 15 पैर बजीज का ही एक सेटअप था और उसमें मैंने काफ़ी अच्छी बजीज की ब्रीडिंग ली थी, और ये वाला बड़ा केज अभी मैंने नया लगाया है, तो उम्मीद यही करते हैं कि इनसे भी मुझे जल्दी से अच्छी ब्रीडिंग मिलनी चालू हो जाए। और आप देख सकते हैं कि सारी मटकियों में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर दिखने को मिल रहा है, कुछ एक मटकियाँ है जो खाली है अभी तक, और ये भी मटकियाँ सेलेक्टेड है बट अभी तक मैं फीमेल ने अंडे ले नहीं करें, तो थोड़े दिनों में ज़रूर कर देगी। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि सारी मटकियों में आपको बच्चे देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो आप देखिए हमारे यहाँ की ब्रीडिंग को ज़रूर देखिए। और बरसात के मौसम में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो क्योंकि बरसात के मौसम में अगर अंडों पे पानी लग जाए तो वो अंडे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे भी मर सकते हैं, इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप बरसात के मौसम में अपने बर्ड्स का अच्छे से ध्यान रखें। और कॉकटेल का जो ये हैंड फीडिंग का बच्चा मैंने आपको बताया कि मैंने हैंड फीड पर उठा रखा है, उसको मैं आपको थोड़े दिनों में ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि वो थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने अभी तक उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब वगैरह पर अपलोड नहीं करी है। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मैंने उसकी एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, अगर आपको वो देखना हो तो आप हमारे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। मेरे चैनल का नाम RJ19Birds, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम पे है, तो आप उस इंस्टाग्राम पे भी हमको ज़रूर फॉलो करें। और ये देखिए फीमेल मटकी में बैठी अंडे लेकर, और बहुत ही जल्दी हमको अपनी कॉलोनी में ब्रीडिंग देखने को मिली है। मटकियाँ लगाए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर आप देख सकते हैं कि सब मटकियों में अंडे और बच्चे हैं अभी, तो थोड़े दिनों में ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और इनको हम अलग कर देंगे, क्योंकि अगर ये देखिए किसी ने एक अंडा फोड़ दिया है जिसके अंदर बच्चा था, वो देखिए आप अंडा लाल लाल पड़ा था, तो उस अंडे को हम बाहर फेंक देते हैं, नहीं तो यहाँ पे ये ख़राब हो जाएगा, दूसरे अंडे भी ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए इस अंडे को तो हम बाहर फेंक देते हैं, बाकी आपको मटके हम ज़रूर दिखाते हैं। तो ये मटकी खाली है, ये मटकी भी खाली है, और इस मटकी में देखिए फीमेल अंडे लेके बैठी है, और इस मटकी में देखिए एक बच्चा है जो भी शायद बहुत छोटा है, और ये देखिए फीमेल अंडे लेके बैठी है, और ये फीमेल भी अंडे लेके बैठी है। आप देख सकते हैं आपको हर मटकी में कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपको रेगुलर हमारी वीडियो देखनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी हम धीरे धीरे यही कोशिश करेंगे कि आज अब रेगुलर वीडियो डाल सकें। कुछ ना कुछ काम हो जाते हैं इसके वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाता, पर मैं कोशिश करूँगा कि कॉकटेल की ब्रीडिंग भी आपको थोड़े दिनों में ज़रूर बताऊं। हमारे जो इस दूसरे पैर ने अंडे दे रखे हैं उसके चिक्स हों तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले वाली ब्रीडिंग मैं आपको नहीं बता पाया, पर इस बार मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम केज से बाहर चलते हैं और आज की वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।